औरंगाबाद में तिलक समारोह के बीच हुई नोकझोंक के दौरान चली गोली, एक की मौत मौके पर ही हो गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मंजुराही गांव में यह घटना घटी है। आपको बता दें कि बीती रात मंजुराही गांव निवासी श्रीनाथ सिंह के घर मदनपुर थाना क्षेत्र के बनिया गांव से तिलक के लिए आया हुआ था। इसी दौरान सैकड़ों की संख्या में उनके घर उनके रिश्तेदार तथा दोस्त भी तिलक समारोह में भाग लेने हुए पहुँचे थे। तिलक समारोह समाप्त हो चुकी थी और लोग अपने अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान अरवल थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव निवासी संजीव कुमार भी अपनी गाड़ी पर सवार होकर गाड़ी को निकालने को लेकर आगे पीछे कर रहे थे। इसी दौरान गाड़ी निकालने को लेकर आपस में नोकझोंक होने लगी। नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि दूसरे ने पिस्टल निकालकर संजीत कुमार के सर में ही गोली मार दी, जिससे संजीत कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि संजीत कुमार की हत्या मंजुराही गांव के रहने वाले बीएड कॉलेज संचालक के द्वारा किया गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने मुफस्सिल थाना के थानाध्यक्ष से हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की है। हालांकि मुफस्सिल थानाध्यक्ष के द्वारा तत्काल हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि हत्यारा थाना से भी अपनी निजी मोबाइल के द्वारा ग्रामीणों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों ने मुफस्सिल थाना अध्यक्ष को हत्यारे से मिले होने का आरोप लगाया है और इस मामले को लेकर शहर के सदर हॉस्पिटल के पास ग्रामीणों ने औरंगाबाद मुख्य सड़क को जाम कर दिया। अध्यक्ष अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गुस्साए लोग अपनी जीत पर अड़े हुए हैं और पुलिस कप्तान को घटनास्थल पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।